नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि जो सेल के लिए प्लांट्स हम भेजते हैं, जो ऑनलाइन भेजते हैं, जो कि बाय पोस्ट या बाय कोरियर हमने भेजने होते हैं, उनमें कई बार दिक्कत आती है कि रास्ते में लोग बोलते हैं कि प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं जो सेल करने वाले हैं, और रिसीवर को भी प्रॉब्लम आती है। तो आप भी जो ख़रीदने वाले हैं वो भी बता सकते हैं कि कैसे प्लांट्स को भेजना चाहिए, और सेल करने वाले के लिए भी ये वीडियो लेके आए। तो हमने कुछ सेल के लिए ये प्लांट्स रखे हैं। देखिए पहले प्लांट्स जो हमने भेजने हैं, तो इन प्लांट्स को पहले तो हमने ये बेयर रूट करना, बेयर रूट मतलब कि इसकी रूट्स जो है बाहर निकालनी है। देखिए जैसे ये प्लांट लगा हुआ है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे, ये इस तरीके से इसकी सारी रूट्स जो है। ये एस्ट्रोफाइटम ट्राइकोस्टेटम है, 3 रिब्स वाला, इसकी सारी रूट्स हम निकाल लेंगे पहले। निकालने के बाद हम इसको थोड़ा, ये जो रूट्स है अब जब ये एक्सपोज़र हो जाता है हवा का, तो इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि नहीं तो ये फंगस बड़ी जल्दी अटैक करती है। कई बार जो परचेज़र है वो सोचता है कि शायद रूट्स ही नहीं है, मगर रूट्स हम खुद कट करके देते हैं, सिर्फ स्मॉल रूट्स रखनी होती हैं ताकि दिक्कत ना आए। उसके बाद हमने ये सोल्यूशन हम एक बना रहे हैं, बेविस्टिन हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप कोई भी फंगीसाइड बेविस्टिन, और दूसरी कम्बिनेशन हम डाल देते हैं M45 कॉन्टैक्ट, और दूसरे दोनों तरह के फंगीसाइड्स हम यूज़ कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम आए ना। इसको हमने ये मिक्स किया, और इस फंगीसाइड्स के घोल में हमने एक बार ये प्लांट पूरे डिप कर देना है। डिप करके ये छाए में हमने सूखने के लिए ये प्लांट रख देना है ताकि इसमें दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से हम ये सारे प्लांट्स को एक एक करके, ये ऐसे प्लांट्स निकाल के इस तरीके से हम डिप करके रख देते हैं। उसके बाद मोटिव होता है कि इसको भेजना कैसे है, कैसे रैप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी पेपर रोल, आप नैपकिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या रहता है कि हल्का फुल्का कोई मॉइस्चर भी होगा तो इस प्लांट का उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको अच्छे तरीके से रैप करके, ताकि प्लांट जो हल्का फुल्का मॉइस्चर भी हो, ये रूट्स तो नीचे की हम काट ही देंगे, इस तरीके से बंद करके उसके बाद आप पेपर में इसको रैप कर सकते हैं। देखिए अभी कांटे भी इसके बिल्कुल जो सेफ हो जाएंगे, और इसके ऊपर हम टेप लगा के इसको बिल्कुल पैकअप कर देंगे। इस पैकअप के साथ क्या है कि प्लांट में तो प्रॉब्लम आने के चांसेस ही नहीं है, पूरी तरह से ये प्लांट पैकअप हो जाएगा। इस पैकअप के कारण कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और समस्या हमारे इस प्लांट भेजने में आती है कि जब यहाँ का जैसे टेम्परेचर, अब इस टाइम पंजाब में 2-3 डिग्री भी चला जाता है, कई बार 0 डिग्री भी होता है, तो एकदम से जैसे हम और स्टेट्स में अपने प्लांट्स भेजते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री तक चल रहा होता है, तो प्लांट जब हम यहाँ से भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं सर्दी से बिल्कुल गर्मी में जाता है, तो एकदम से प्लांट में स्ट्रेस भी आती है। प्लांट जब भी आप रिसीव करें जो ख़रीदने वाले हैं, तो प्लांट को शेड में सुखाने के लिए रखें, एकदम से उसको धूप में ना सुखाने के लिए रख दें। कम से कम आप 1 से 2 दिन तक उसको शेड में रखें ताकि वो अपना स्ट्रेस कवर कर ले, उसके बाद प्लांट को आप धीरे से प्लांट कीजिए। मैंने अपनी ऑलरेडी दूसरी वीडियोस में बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए नए प्लांट को रिसीव करने के साथ। तो आजकल तो सर्दी का मौसम है, यहाँ पर डोरमेंट है प्लांट्स, तो अभी फरवरी में ये प्लांट्स उठने भी शुरू हो जाएंगे, यानी कि डोरमेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो बड़े अच्छे तरीके से हम लोग नए प्लांट्स ये लगा सकते हैं ताकि उस दिन तक रूट्स पकड़ लें धीरे धीरे, और जब तक ये ऑन फ्लावरिंग आए तो अपना फुल फ्लावरिंग दिखानी शुरू कर दें। तो इस तरीके से हम प्लांट्स को भेज सकते हैं बढ़िया तरीके से रैप करके, और प्लांट्स को बचा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।